गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रिंकी राव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं भी 5:30 बजे से। गाइस 5:30 हो गए हैं टाइम और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो गाइस आज सावन का पहला सोमवार है, तो पहले तो आपको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि बरकत बनाए रखे। और गाइस हम जा रहे हैं मंदिर और नहा धो के पहले घर का काम किया फटाफट से, और फटाफट से मैं नहा भी गई हूँ और जा रही हूँ मैं मंदिर, क्योंकि सीएम की ऑनलाइन क्लास भी लेनी है, तो इसलिए फटाफट से ही सारा काम कर लिया है। अब जा रही हूँ मैं मंदिर, तो भोले बाबा की कृपा आप लोगों पे भी बनी रहे, तो यही दुआ करती हूँ। खुले फूल और नहीं अंकल जी, ऐसे वाले ये खुले गेंदे वाले। हाँ ये डाल सारे। तो भाई हम पहुंच गए हैं मंदिर में, मंदिर अभी खुला है। सुबह सुबह अभी इतनी भीड़ मंदिर में, दर्शन कैसे होंगे शाम। इधर से हो अपनी बारी का इंतजार। ये गाइस हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए, भोले बाबा को जल चढ़ा लिया है और बहुत भीड़ है। सुबह के टाइम ही इतनी भीड़ है, बताओ बाप रे। चलो जाओ, जा रहे हो अंदर तो जा लो। तो गाइस हमने पूजा पाठ करके अब जा रहे हैं हम घर, और फटाफट जाते हैं। रास्ते में मिल गया एक ग्राम। तो गाइस ये हमने घर की पूजा भी कर ली है, घर की पूजा आके की मंदिर से आके हमने घर की पूजा भी कर ली है, और ये मेरे ठाकुर जी भी सज के बैठ गए हैं, उनको भी नहला धुला के अच्छे से तैयार कर दिया है। तो गाइस अब पूजा ख़त्म, तो अब ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो गाइस आज सावन का महीना था और मेरा बर्थ भी था, तो फर्स्ट रखा था, तो उसके लिए मैंने आज बनाई है खीर, और ये है मेरी खीर बनी हुई है। और गाइस मैंने कैसे बनाई है इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक छोटी सी आपको एक बात भी बताना चाहती हूं कि हमारे उत्तराखंड में ये जो खीर बनाने का रिवाज है सावन के महीने में ख़ास तौर पर, तो इस रीति रिवाज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूं, बताना चाहती हूं कि मेरे उत्तराखंड में सावन के महीने का खीर का क्या महत्व है। तो सावन के महीने में सब लोग खीर ज़रूर बनाएंगे, चाहे वो हफ्ते में एक दिन बनाएं चाहे वो रोज़ बनाएं, लेकिन सावन के महीने में ज़रूर बनाते हैं। तो गाइस हमारे उत्तराखंड में जो लोग हैं, तो वो मतलब जिनकी गाय दूध देने वाली होती है और जिनकी गाय दूध नहीं देने वाली होती है, तो वो लोग जिनका दूध है तो वो दूसरे लोगों को ज़रूर दूध देते हैं कि तुम भी खीर बना लो। और इतना प्यार प्रेम रहता है मेरे गांव में, मतलब हमारे इधर, बाकी तो और जगह तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे इधर अपने इधर का बता रही हूँ, अपने गांव की तरफ का बता रही हूँ कि वो लोग दूध बाँटते हैं सावन के महीने में, और दिन नहीं मतलब अगले और उसमें नहीं,
लेकिन खाली सावन के महीने में दूध बांटते हैं, दूध देते हैं एक दूसरे को, कि जिसका बोलते हैं ना कि तुम्हारा लेंदा नहीं है तो तुम ये दूध रख लो, मतलब खीर उर बनाना, तो देते हैं चाची ताई लोग सब दूध बांटते हैं, एक दूसरे को दूध देते हैं, तब जाके लोग खीर बनाते हैं और खीर मिलजुल कर खाते हैं। और सावन का महीने का महत्व है कि खीर बनाना ही बनाना है, चाहे वो हफ्ते में बने, चाहे वो रोज़ बने, चाहे वो कैसे भी बने, लेकिन सावन के महीने में हम लोगों ने खीर खाना ही खाना है। बड़ा शुभ माना जाता है, हमारे यहाँ एक रीति है और एक परंपरा भी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और बस मिलती हूँ फिर आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, टाटा बाय।